एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खुद बहुत इजीली कर सकते हो और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको कुछ करना पड़ेगा, तो वो अभी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आई रेज़ पर 18 प्लस 1 अपॉन आई रेज़ पर 25 कैसे करेंगे। आई रेज़ पर 18 किसी की भी पावर अगर 4 से बड़ी है तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो न्यूमरेटर आता है आई रेज़ पर 4 4 16 जो हमारा रिमाइंडर बचेगा दैट इज 2, आई रेज़ पर 2 इज -1 प्लस 1 अपॉन आई रेज़ पर 25 अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 1, तो 1 अपॉन आई को हम माइनस आई में लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा -1 -i रेज़ टू पावर 3, तो a प्लस b या a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, आपको प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, चलो जी एग्जांपल लेके देखते हैं। z1 को हम ले लेते हैं a प्लस आयटा b और z2 को हम ले लेते हैं c प्लस आयटा d। मेरे को क्या करना है, पहले रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है या z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है? z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप सिर्फ रियल पार्ट पिक करेंगे, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करना आता है, हाँ जी a प्लस आयटा b इंटू c प्लस आयटा d, ये बन जाएगा ac प्लस आयटा ad प्लस आयटा bc प्लस i स्क्वायर bd, ये बन गया ac प्लस रियल पार्ट कौन सा होगा, ये दोनों बन गए इमेजिनरी पार्ट हमारे, ये हम अलग लिख लेंगे आई ए डी प्लस बी सी। ये रियल पार्ट क्यों बनेगा, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बन गया -BD, ये आ गया हमारा रियल पार्ट। तो हमारा जो रियल पार्ट आया दैट इज ए सी -BD और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट आया वो आया ए डी प्लस बी सी। चलो जी देख लेते हैं z1 इंटू z2 का ये फॉर्म, ये आंसर आया है z1 इंटू z2, पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो z1 इंटू z2 बोल रहा है या रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 की बात हो रही है, वो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। चलो जी लिख लेते हैं व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 व्हिच इज इक्वल टू, दिस इज द रियल पार्ट, ये बन गया ac -BD। चलो यहां पे आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z1, यहां पे लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 इज a, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2 इज b, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z2 इज c, देन माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is equals to b and what is imaginary part of z2 which is equal to d। तो कह ये रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है ac b और d -BD, चेक करेंगे क्या हमारा रियल पार्ट यही आया है ac -BD, हां जी यही आया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिड्यूस 1 अपॉन 1 -4 आई -2 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 3 -4 आई अपॉन 5 प्लस आई रिड्यूस इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है,
डिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन भी है, मल्टीप्लाई भी दो चीजें हो रही हैं, तो आप सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दोगे? ब्रैकेट को देंगे। इसका मतलब सबसे पहले आप इस चीज को आपस में सॉल्व करेंगे। और ये चीज आपस में कैसे सॉल्व होगी? ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस होने के लिए हम क्या करेंगे? इसका आप एलसीएम ले लोगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 प्लस आए, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 4 आए है, ये बन गया 1 प्लस आए, माइनस 2 इंटू 1 प्लस आए इसमें है, ये बन गया 1 माइनस 4 आए, और ये मल्टीप्लीकेशन में 3 माइनस 4 आए अपॉन 5 प्लस आए, बिल्कुल वैसा ही रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आए माइनस, पहले आप इसको चाहे सॉल्व कर लो, चाहे पूरा माइनस इसके साथ सॉल्व कर लो, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 4 आए इज प्लस 8 आए अपॉन, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, अगेन वही बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई प्लस आई, माइनस 4 आई इंटू 1 माइनस 4 आई, माइनस 4 आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 4 आई स्क्वायर, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज माइनस 1। तो ये बन गया 1 माइनस 2 इज माइनस 1, आई प्लस 8 आई इज 9 आई अपॉन, अब यहां पे सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा यहां पे? आई स्क्वायर इज माइनस 1, ये बन जाएगा प्लस 4। अगर ये प्लस 4 बन गया तो प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 5 बन जाएगा, 5 माइनस 3 आई, और यहां बन जाएगा 3 माइनस 4 आई अपॉन 5 प्लस आई। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन होती है, इनकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाए। ये बड़ा सिंपल था करना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप ये नोट कर लेंगे, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना होता तो ये करना बहुत इजी होता।
अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होता तो ये करना बहुत इजी होता। अब देखते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले स्क्वायर रूट छोड़ो, क्या अंदर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्क्वायर रूट हटाने का तो तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, पर अंदर वाला ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट, जो हमारा मेन मोटिव है, दैट इज कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी? बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूं इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो जी कर लेते हैं, x माइनस आयटा y इज इक्वल टू a माइनस आई बी। अगेन व्हाट इज मेथड टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। x माइनस आयटा y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a पहले मल्टीप्लाई हो रहा है c से, ए सी प्लस आयटा ए डी माइनस आयटा बी सी माइनस आई माइनस आई स्क्वायर बी डी। सिंपल वही कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। चलो जी यहां आते हैं, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं, ये बन गया। अभी तक हम लोगों को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि आई स्क्वायर माइनस वन होगा और माइनस वन की वजह से ये प्लस बन जाएगा और ये पूरा रियल पार्ट बन जाएगा प्लस बी डी। अभी तक हम इतना तो समझ ही चुके हैं। हाँ जी, प्लस आई कॉमन, ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए, रियल पार्ट हो गया अलग, इमेजिनरी पार्ट हो गया अलग। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमको किस चीज की वैल्यू चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट स्क्वायर से रूट होता है 1 बाय 2, रूट अगर स्क्वायर रूट है इसका मतलब पावर हाफ है, हाफ पावर इंटू टू इज 1। ये बन गया ए सी प्लस बी डी प्लस आयटा ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक ध्यान से देखेंगे, यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को, हाँ जी कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलो जी अब कंपेयर करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद यहां क्या हुआ, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, बिल्कुल वही है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है x, बी क्या है आयोटा y, पर मैं आयोटा को चलो यहां पे लिख लेती हूं। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और ये बिल्कुल यही सेम रहेगा जो हमने ऊपर लिखा है। चलिए यहां पे आते हैं, अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और इंटू वाई स्क्वायर, ये बन गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा टू एक्स वाई इज इक्वल टू। अब पूरा लिख लेते हैं रियल पार्ट को अलग करके, इमेजिनरी पार्ट को इस चीज का अलग करके। रियल पार्ट हमारा बन गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट बन गया हमारा यहां पे आते हैं प्लस आई ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं कंपेयर कर सकती हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को? रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये आ गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड व्हाट इज आवर इमेजिनरी पार्ट? टू एक्स वाई या माइनस टू एक्स वाई? माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू एक्स वाई आपका इक्वल आ गया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। हाँ जी क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल सेम, हमने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशंस किए, डिनोमिनेटर को सॉल्व, डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों आनी चाहिए थी? ताकि मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाए। अब आ गया हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, पर
मेरे को निकालना क्या है, x square plus y square और x square minus y square निकालना था या x square plus y square निकालना था? हम लोगों को तो x square plus y square निकालना था। तो आपको एक formula याद होगा, x square plus y square का whole square is equals to x square minus y square का whole square plus 4x square y square। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, बहुत जगह यूज होने वाला है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x square plus y square whole square की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या मेरे को x square minus y square की वैल्यू पता है? हाँ जी पता है। यहां से ac plus bd upon c square plus d square का whole square प्लस यहां पे आते हैं 4 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं माइनस 2xy का होल स्क्वायर? हां जी, 4 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं माइनस 2xy स्क्वायर? हां जी लिख सकते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abcd, यही फॉर्मूला लगा है। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, ये हमारा फॉर्मूला बना है। प्लस यहां पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस 2xy की। देखिए माइनस 2xy की वैल्यू क्या है, ad माइनस BC upon C square plus D square का whole square, sorry इसका denominator हमने लिखना miss कर दिया था, C square plus D square का whole square। अब उसको solve करते हैं, ये बन गया A square C square plus B square D square plus 2ABCD upon C square plus D square होल स्क्वायर प्लस, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 2abcd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, यहां पे प्लस साइन है यहां पे माइनस साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में सेम है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे अब क्या करते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर, क्या मैं इसमें से इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले सकती हूं? हां जी ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेके c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बच गया। क्या मैं इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले सकती हूं? हां जी ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, d c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अल्फाबेटिकली चलते हैं, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन हमारे डिनोमिनेटर में आ गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इन दोनों में फिर क्या सेम है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका मतलब मैं a को b स्क्वायर के साथ कंबाइन करके लिख सकती हूं? हां जी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है और दोनों सेम है। अगर पावर दोनों सेम है, बेसिस सेम है, इसका मतलब यहां पे 2 c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। अगर 2 c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है तो 1 c स्क्वायर d स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अगर न्यूमरेटर से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर चला गया तो बचेगा क्या, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या बच गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर।
ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल नहीं है, कुछ सब चीजें हमने पहले से की हुई है, बस कैसे करना है थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ऑल्दो हर चीज हम पहले कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी है। आप इसको नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 10 कितना 1 होता है, 10 45 1 होता है, तो अल्फा हमारा आ गया पाई बाय
कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉइंट को. अगर वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो पॉइंट क्या सिर्फ एक क्वाड्रेंट में आ सकता है या किसी भी चार में, किन्हीं भी चार क्वाड्रेंट में आ सकता है? इट कैन लाई इन एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स. तो अगर कोई भी फोर क्वाड्रेंट है तो पहले हम चेक करेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है. चेक करते हैं जी. रियल पार्ट माइनस वन, तो एक्स हो गया नेगेटिव. इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा, याद करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या था? पाई माइनस अल्फा. बहुत जरूरी चीज है याद रखने वाली. सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. हम ये सीख चुके थे ये आया कैसे है, बट आपको हर बार ये नहीं लिखना है कि आया कैसे है. आपने मेन रिजल्ट हर बार याद रखना है. थीटा इज पाई माइनस अल्फा, आर थीटा विल बी पाई माइनस पाई बाय फोर. सॉल्व करेंगे इट बिकम्स थ्री पाई बाय फोर और आपका जो कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म बनेगा दैट इज अंडर रूट टू कॉस पाई बाय फोर कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय फोर. दिस इज आर पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन. बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, आर निकाल ले, अल्फा निकाल ले. अल्फा निकालने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जब आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप बड़े इजीली उसका थीटा निकाल पाएंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकेंड में थीटा इज पाई माइनस अल्फा, फिर से रिवाइज करते हैं, थर्ड में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. बड़ा सिंपल सा था. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6-9. ये बिल्कुल सेम वही इक्वेशंस हैं, कुछ नहीं होगा इन इक्वेशन में. जो डी की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव. डी की वैल्यू सबसे पहले नेगेटिव आएगी. अगर डी नेगेटिव आ गया तो आपका इमेजिनरी नंबर जनरेट होगा. सिर्फ आपने आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका हर एक इक्वेशन का आंसर बड़े इजीली आ जाएगा. Sixth, seventh, eighth, and ninth. These four questions are same. Then we will come to question number 10th. अब हम आते हैं 10th question पे. 10th देखते हैं क्या कह रहा है. 10th कह रहा है z1 is equals to 2 minus i. z2 is equals to 1 plus i. अब कह रहा है आपको find करना है z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 का mod. वैसे तो ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है. आप z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 की वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमरेटर में भी a प्लस आयोटा भी कुछ जनरेट होगा, या जो भी आप सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा या नंबर कैसा बनेगा, या प्योरली इमेजिनरी बनेगा, प्योरली रियल बनेगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसमें ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते होंगे. चलो जी करके देख लेते हैं. हमारा नंबर है z1, वैल्यू है 2 माइनस आई, और z2 इज 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन z1 इज 2 माइनस आई. कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करनी है माइनस. z2 जब माइनस होगा तो ये दोनों प्लस हैं, पर माइनस होने के बाद दोनों कैसे बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे. ये बन जाएगा माइनस वन माइनस आई प्लस वन. चलो जी, वैल्यू इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2. हाँ जी, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को जितना आप सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करें, आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा. तो अब हमारा नंबर बन गया 2 अपॉन 1 माइनस आई. इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन हम यहीं पे कर देंगे. 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये बन गया 2 माइनस 2 बाहर ही रखते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई. क्या बन गया? 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, बट माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1. ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन 2.
2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारा नंबर रह गया 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का मॉड इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आंसर आ गया अंडर रूट 2 इज आवर आंसर। बहुत सिंपल था, सिर्फ वैल्यूज पुट की और सिंपलीफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1। प्रूव दैट, टू प्रूव आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1 का स्क्वायर। बिल्कुल अभी आप एक ऐसा क्वेश्चन आपने अभी किया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन वही ए और बी, यहाँ पे ए भी गिवन है और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। वी विल सिंपलीफाई दिस साइड सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय बाय इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ये बन गया ए प्लस आयोटा बी, थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2x square plus 1, a plus iota b किसके इक्वल हो गया, i square की वैल्यू इज माइनस 1, x square minus 1 upon 2x square plus 1, ये रियल पार्ट आ गया, plus i times 2x upon 2x square plus 1, what is a real part, real part यहाँ पे a है और यहाँ पे ये real part है, real part को real से compare कर देंगे, x square minus 1 upon 2x square plus 1, और b को कंपेयर कर देंगे 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, मेरी a और b की हमारी वैल्यूज निकल आई। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज निकलने के बाद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ही तो चाहिए होगी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1 का स्क्वायर, यही होगा a square। अगर मैं a square की बात कर रही हूँ तो numerator का स्क्वायर भी होगा और denominator का भी होगा, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, plus what is b, 2x का स्क्वायर upon 2x square plus 1 का स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक कोई confusion नहीं, चलिए जी सॉल्व करते हैं आगे। सिंपल कैलकुलेशन है, हर इक्वेशन में जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए लेट्स सिंपलीफाई दिस, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x square minus 1 का square है और यहाँ पे है x square plus 1 का square, इसका मतलब मेरे को x square minus 1 का square नहीं चाहिए होगा, हमको x square plus 1 का square चाहिए होगा। Then we will simplify this, it becomes x raised by 4, a minus b का whole square का formula लगाएंगे। अभी हमारे पास जहाँ पे x होता था पहले, x की जगह x square आ गया तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर इज x raised by 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन। अब ध्यान से देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है मैं इनको कंबाइन करके लिख सकती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आगे देखेंगे क्या हुआ, सिंपलीफाई कर देंगे न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर है 2x square plus 1 का whole square, क्या मेरे पास डिनोमिनेटर है जो चाहिए, हाँ जी, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, सिर्फ अब मेरे को न्यूमरेटर जो चाहिए था वो नहीं है मेरे पास, उसको चलो सिंपलीफाई करते हैं, पहुंच ही जाएंगे वहां तक, x raised by 4 plus 1, क्योंकि कोई और लाइक टर्म नहीं है 1 जैसी, माइनस 2x square प्लस 4x square को क्या मैं प्लस 2x square लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों लाइक टर्म्स थी और प्लस माइनस हो गया। अब चलिए एक चीज देखते हैं, जब मैंने x square माइनस 1 के square का ब्रैकेट ओपन किया तो
तो ये बना था x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x। अब जब मेरे पास ये बन रहा है तो क्या आप सोच सकते हैं ये किसका स्क्वायर बनता होगा? हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x इस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या चेंज हो रहा है इन दोनों में? कुछ वैल्यूज चेंज हुई? नहीं, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही जो भी हमको चाहिए था। तो आप इसको नोट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, वही कैलकुलेशन है, बस कुछ आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखने हैं और उनको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद होगा, पर चलो वी विल डू वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा है z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस आई। बोल क्या रहा है, कहता क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, हम z1 का रियल पार्ट उठा लेंगे, z2 का रियल पार्ट उठा लेंगे और z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट उठा लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके बोलेंगे हाँ जी आ गया रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। इस क्वेश्चन में जो गलती हो सकती है ये नहीं करना है, फिर से इस चीज को दिमाग में रखना है। हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, ये ब्रैकेट के अंदर को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद देखेंगे बाहर क्या है। तो सबसे पहले वी विल सॉल्व दिस, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट के बाहर नहीं देखेंगे रियल है इमेजिनरी है, मेरे को सिर्फ इस चीज से लेना देना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं, z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। व्हाट इज z1? 2 माइनस आई। व्हाट इज z2? माइनस 2 प्लस आई अपॉन व्हाट इज z1 का कॉन्जुगेट। z1 है 2 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आई। चलिए जी सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2i प्लस 2i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये था 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, 2 इंटू i इज 2i, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2i, सॉरी प्लस 2i, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस i इंटू प्लस i इज माइनस i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i। चलिए i स्क्वायर इज 1, ये 1 क्यों बना, क्योंकि i स्क्वायर माइनस 1 है और माइनस इंटू प्लस इज प्लस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 4i प्लस 1 अपॉन 2 प्लस i। अब माइनस 4 प्लस 1, क्या मैं इसको डायरेक्टली माइनस 3 लिख सकती हूँ? हाँ जी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 प्लस i डिनोमिनेटर में है। क्या मेरे को ये भी सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 2 माइनस i अपॉन 2 माइनस i। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू 6 माइनस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन अगेन 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस i स्क्वायर, माइनस i स्क्वायर बन गया प्लस। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 6 माइनस माइनस 1 इज प्लस 4, 6 प्लस 4 10, माइनस माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5i अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज 3। तो ये जो हमारा बन गया दैट इज 10 बाय 3 प्लस 5i बाय सॉरी इट बिकम्स 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस इनटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5, ये बन जाएगा 10 बाय 5 और 5i बाय 5 विच इज 2 प्लस आई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस आई। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। तो मेरे से ये पूछ रहा था कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सबको
तो उसका रियल पार्ट क्या निकलेगा? हाँ जी, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस? रियल पार्ट ऑफ जेड वन, जेड टू अपॉन जेड वन का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू टू इज द रियल पार्ट. ये करना था. बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से आप सेकेंड को इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर 13th क्वेश्चन. कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. मॉड्यूलस पता है, आर को मॉड्यूलस कहते हैं, तो आपको आर निकालना है. एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं? हाँ जी, आपको याद होगा आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड हमने दो चीजें पढ़ी थी. थीटा इज आर आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड. तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालो. तो आप बड़े इजीली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? पहले यू विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. आप पूरे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप आर और थीटा कैलकुलेट करें. 14th क्वेश्चन, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस x माइनस 24y. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन. आपने x माइनस आयोटा y, फिर भी आप एक बार देख लें कैसे होगा. x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5y कह रहा है ये जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वो किसके इक्वल आता है? माइनस 6 माइनस 24i के कॉन्जुगेट के बराबर आता है. ये क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड विल इक्वेट इट विद. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका एक रियल पार्ट आएगा और आपका एक इमेजिनरी पार्ट आएगा. आप रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14th आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फिर आते हैं 15th क्वेश्चन पे. 15th में भी बिल्कुल यही करना है. फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस. आप पहले एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस आई. कैसे? एक बार थोड़ा सा आप देख लें. 15th क्वेश्चन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एलसीएम आ जाएगा. 1 माइनस आई इसमें है तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई. ये भी 1 प्लस आई, ये भी 1 प्लस आई. 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करके बड़े इजीली आंसर निकाल सकते हैं. जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको उसका मॉड निकालना पड़ेगा और मॉड इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलिए जी, अब आते हैं 16th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी है. कह रहा है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज यू प्लस आयोटा वी. तो आपको शो क्या करना है कि u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. चलिए जी, ये आपको शो करना है, ये आपको प्रूव करना है. अब यहां पे इस क्वेश्चन में एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे. u अपॉन x प्लस v अपॉन y, पर जो फाइनल आंसर है क्या उसमें यू और वी कहीं पे भी आ रहा है? नहीं आ रहा है. मतलब आपका सारा जो आंसर है वो किसमें आ रहा है? एक्स इंटू वाई में आ रहा है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यू और वी किसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे? एक्स और वाई में कन्वर्ट हो रहे होंगे. तो एक्स और वाई में अगर यू एंड वी कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो तो सिर्फ यहीं से देख के समझ आता है कि आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंपल फॉर्म में लिखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. यहां से आपकी यू की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स और वाई जो भी है. एंड सेम गोज फॉर वी. इसका मतलब यहां से हम वैल्यूज उठाएंगे किसकी? यू और वी की. किस टर्म्स में? एक्स और वाई के टर्म्स में. ताकि मैं उन वैल्यूज को कहां पे पुट कर सकूं? हाँ जी, यहां पे पुट कर सके. बिल्कुल वही है जो पहले से करते आ रहे हैं. चलो जी, लेट्स सिंपलीफाई दिस. ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए
u plus iota v. x cube, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, i cube की value किसके equal होती है, i raised to 3, minus i के equal, i raised to 3 की value, i cube की value is minus i, इसको ये बन जाएगा minus i into y cube, plus i times 3x square y, i square की value किसके equal होती है, minus 1 के equal होती है, तो ये बन जाएगा minus 3xy square, चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे real part अलग लिखा है और imaginary part अलग लिखा है, क्या मैं यहाँ यही same चीज़ यहाँ कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा x अलग हो चुका है, सिर्फ i का single power वाले i हैं, बाकी सारे खत्म हो गए हैं. X cube is our real part, minus 3xy square is also our real part, plus i common ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3x square y minus y cube, ये हमारा कौन सा part आ गया? Imaginary part is equals to u plus iv. हाँ जी, इससे u की value आ गई x cube minus 3xy square and v की value आ गई हमारी 3x square y minus y cube. हमने क्या किया? Real part को real से compare किया और imaginary part को imaginary से compare किया. चलिए जी, अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा u भी आ चुका है और v भी आ चुका है. कह रहा था u by x plus v by y is equals to 4 times x square minus y square के equal आपको proof करना है. चलिए जी, u की value आ चुकी, आ गई x cube minus 3xy square upon x plus v की value क्या है? 3x square y minus y cube upon y. चलिए अब solve करके देखते हैं, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है? नहीं है. इसका मतलब ये x और y तो कैंसिल हो रहे होंगे. देखते हैं, कैंसिल तभी होगा अगर ऊपर भी x होगा. क्या ऊपर से यहाँ से x कॉमन निकल रहा है? हाँ जी निकल रहा है. चलो जी निकालते हैं, यहाँ से x कॉमन निकला, ये बन गया x square minus 3x, x तो चला गया, ये बन गया 3y square upon x प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि y तो मेरे को नहीं चाहिए, y कॉमन निकल आएगा और ये बच जाएगा 3x square minus y square upon y, y से y कैंसल हो गया, x से x कैंसल हो गया, तो ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया x square minus 3y square प्लस 3x square minus y square. चलिए जी, x square plus 3x square क्या बन गया? 4x square minus 3y square minus y square minus 4y square, क्या common निकल जाएगा इसमें से? 4 common निकल जाएगा, क्योंकि यही form लिखी हुई है x square minus y square. बिल्कुल simple question था, बस calculations lengthy हैं, तो आपको वो with practice आ जाएंगी कैसे करनी है. चलिए जी, अब हम आते हैं अपने next question पे, question number 17 पे. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा, और क्या कंडीशन बोली हुई है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपकी आधी बातें क्लियर हो जाती है कि बोल क्या रहा है. एंड बीटा का मॉड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी, मॉड ऑफ बीटा इज 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर से, इफ अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स सपोज अल्फा इज ए प्लस आईटा बी एंड बीटा इज सी प्लस आईडी. हाँ जी, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने लेट कर लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं कुछ भी लेट कर सकती हूँ. अब क्या कह रहा है दूसरी बात, बीटा का मॉड इज इक्वल्स टू 1, बीटा ये है, इसका मॉड क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. ये कह रहा है
बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बीटा? ए प्लस आई एटा बी। व्हाट इज एल्फा? सॉरी, बीटा इज सी प्लस आई एटा डी। एंड व्हाट इज एल्फा? माइनस ए माइनस आई एटा बी। क्या मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं? हां जी कर देते हैं। माइनस ए माइनस आई एटा बी अपॉन 1 माइनस, व्हाट इज अल्फा का कॉन्जुगेट? अल्फा है ए प्लस आयोटा बी, अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी इनटू बीटा। व्हाट इज बीटा? हां जी, बीटा की वैल्यू है सी प्लस आई डी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी वैल्यूज एज सच पुट कर दी। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। चलो चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। अब इसके रियल पार्ट को आप कंबाइन कर दो। रियल पार्ट क्या बन गए? सी माइनस ए प्लस आयोटा डी माइनस बी, ये होगा इसके इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे। सेम 1 माइनस, अब ये दोनों जो है ए माइनस आयोटा बी इनटू सी प्लस आयोटा डी, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? हां जी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। एसी माइनस आयोटा एडी माइनस आयोटा बीसी माइनस आई स्क्वायर बी डी, यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। हां जी, अभी तक हमने ये कर लिया है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सी माइनस ए इंटू सॉरी प्लस आयटा टाइम्स डी माइनस बी अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? अब ये माइनस सबके साथ है। चलो जी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम माइनस की, बट डिनोमिनेटर की 1 माइनस ए सी माइनस आयटा टाइम्स ए डी प्लस आयटा टाइम्स बी सी माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस बी डी, पर इस माइनस की वजह से ये फिर बन गया माइनस बी डी। यहां तक क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अब हम न्यूमेरेटर का रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, सेम हम करेंगे विद डिनोमिनेटर। चलिए सी माइनस ए प्लस आई डी माइनस बी अपॉन, ये रियल और ये भी रियल, इसको मैं लिख सकती हूं 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट एक साथ आ गया। इमेजिनरी पार्ट ये है प्लस आयटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी, ये आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हमने न्यूमरेटर में भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिए और डिनोमिनेटर में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिए। अब देखेंगे, अब मेरे को लेना है इन दोनों का मॉड, मॉड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, दोनों का इकट्ठा लेना तो नहीं आता, पर हमको मॉड की प्रॉपर्टी तो आती है। जेड वन बाय जेड टू होल का मॉड इज इक्वल टू जेड वन इंडिविजुअल मॉड अपॉन जेड टू का इंडिविजुअल मॉड। चलो जी यहाँ पे हम इसका मॉड लेना शुरू करते हैं। मॉड लेने के लिए अंडर रूट रियल का स्क्वायर, मॉड का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज डी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, सेम गोज फॉर दिस। अब यहां पे देखेंगे रियल पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस BC माइनस AD का स्क्वायर, यही है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हां जी बिल्कुल यही है। चलिए अब इसका स्क्वायर लेते हैं। अगर ये दोनों के साथ स्क्वायर रूट है, अगर ये दोनों के साथ स्क्वायर रूट है तो क्या मैं इसको एक स्क्वायर रूट भी मान सकती हूं? हां जी मान सकते हैं। रूट टू बाय रूट टू अपॉन रूट थ्री लिखे चाहे अंडर रूट टू बाय थ्री लिखे, दोनों का सेम मतलब है। चलिए यहां पे आते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, यही लिखेंगे अपॉन। अब डिनोमिनेटर में आएंगे, अब यहां पे आएंगे। हां जी यहां पे दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं? ये तीन नंबर्स हैं। क्या आपको ये याद है? x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस
की जगह है 1, y की जगह है माइनस ac और z की जगह है माइनस bd. आपने ये फॉर्मूला पुट करना है और बिल्कुल वही उसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज लिखते रहनी है. चलिए जी, मैं लिख रही हूं यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2abcd माइनस 2bd. ये हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है. ये आ जाएगा एक x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy. बिल्कुल यही आएगा. कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, अदरवाइज बहुत सिंपल है. हाँ जी, न्यूमरेटर में चेक करेंगे कुछ सेम आ रहा है क्या, कोई वैल्यू सिमिलर नहीं है. डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, नहीं आ रहा है, सिर्फ ये सिमिलर है 2abcd और 2abcd ये कैंसिल हो जाएगा. चलिए जी, अब जो बचा हुआ है उसको साइड पे लिखते हैं. ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, अल्फाबेटिकली चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd अपॉन. डिनोमिनेटर को भी अल्फाबेटिकली चलाते हैं. ए स्क्वायर है नहीं है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है जी लिख लेते हैं. प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले आना था, चलिए जी कोई बात नहीं. प्लस अब क्या बच गया, माइनस प्लस 1 बच गया, ठीक है जी. माइनस 2ac बच गया, माइनस 2ac बच गया, माइनस 2bd अभी बच गया. ये बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर से सेम कॉपी करके नीचे लिख लिया है. अब यहां पे हमारे पास सब कुछ स्क्वायर्स आ चुके हैं. हमने ये पढ़ा था बीटा का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब जहां जहां सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है वहां वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं. चलिए जी करते हैं. तो ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ac माइनस 2bd अपॉन. अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ये बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ये बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. प्लस 1 माइनस 2 टाइम 2ac माइनस 2 टाइम्स bd, बिल्कुल यही. अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगेन मैं क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 1, क्योंकि हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, ये भी 1. तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ये मेरा ये फॉर्म बन जाएगा. 1 को पहले लिखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2 टाइम्स bd अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, पर मेरे पास 1 भी है, 1 को पहले लिखते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd. क्या ये दोनों सेम है, हाँ जी कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1. अब आप ध्यान से ये क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुश्किल था, जो नहीं आता था, इट्स जस्ट सिंप्लीफिकेशन. आप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, क्या आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत सिंपल है. चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब हम आते हैं 18th क्वेश्चन पे, जो कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपनी एक पहली क्लास में किया था, पर चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि करना क्या है. फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस बनाने हैं और इक्वेशन क्या है, 1 माइनस आई रेस्ट बार एक्स मॉड है इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट बार एक्स. ध्यान से देखेंगे,
मेरे पास 1 माइनस आई का क्या है, मॉड है। इसका मतलब पहले मैं पावर एक्स को सॉल्व करूंगी या पहले मॉड को सॉल्व करूंगी? हाँ जी, जो पहले तो आप मॉड को सॉल्व करेंगे ना, मॉड को सॉल्व करके फिर आप पावर पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या काम है, टेक द मॉड्यूलस। सबसे पहला काम मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। बॉड मास का बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, पहले ये मॉड्यूलस सॉल्व होगा, उसके बाद यू विल गो टू एक्स। फाइंड द टेक द मॉड्यूलस फर्स्ट। किसका मॉड्यूलस लेंगे हम? 1 माइनस आई का। और 1 माइनस आई का मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। रूट 1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, अंडर रूट 2 की पावर एक्स आ गई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। हाँ जी, जब भी आपको पावर निकालनी है, जब भी आपको पावर्स निकालनी है, आपके बेसिस कैसे होने चाहिए? हमेशा हमने ये हमेशा पढ़ा है, बेसिस सेम होने चाहिए। तो क्या मैं रूट 2 और 2 को सेम कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। या तो मैं इस रूट 2 को लिख लूं 2 की पावर हाफ इनटू एक्स तो है ही है, या आप इस 2 को अंडर रूट 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो लिखना है 2 की पावर एक्स। चलिए मैंने ऐसे लिख लिया 2 raised to power half into x is x by 2 is equals to 2 की पावर x। बेसिस आर सेम, पावर इक्वेट हो जाएंगी, x by 2 is x, ये बन जाएगा x is equals to 2x, 2x minus x equal to 0, x आ गया आपका 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 0 है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा था। क्वेश्चन कह रहा था Find the number of non-zero integral solutions of the equation. Non-zero solutions कितने आएंगे? जो zero नहीं है। X is equals to 0, X की value तो 0 आ गई, तो कितने integral solutions आ गए? अगर non-zero solutions कितने होंगे? फिर 0 ही होंगे, क्योंकि solution क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है। चलिए जी, next पे आते हैं। Next 19th question कह रहा है a प्लस आईटा बी सी प्लस आई डी ई प्लस आईटा एफ जी प्लस आईटा एच इज इक्वल्स टू a प्लस आईटा बी। तो आपको शो क्या करना है? टू शो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताएंगे कौन सा ऐसा केस है जब ए प्लस आयोटा बी से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं? कौन सा ऐसा केस है? मेरे पास नंबर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, और मेरे को पहुंचना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। चलिए ध्यान से सुनेंगे, मैं इस पे चाहे ना पहुंचू पर आप इस पे तो पहुंच सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे कैसे पहुंच सकते हैं? कैसे पहुंच सकते हैं? मॉड्यूलस लेके। बड़ा सिंपल सा है, जेड का मॉड इज इक्वल टू दिस। चलिए करके देखते हैं। मेरे पास अगर ये है तो मैं टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, चलिए जी लेते हैं। अगर मैंने दोनों साइड मॉड्यूलस लिया है तो ये बन जाएगा ए प्लस आईटा बी सी प्लस आईटा डी ई प्लस आईटा एफ जी प्लस आईटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आईटा बी। हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं किया। जैसे हम दोनों साइड, सपोज मैं कर रही हूं एडिंग टू बोथ साइड्स, यहां पे मैंने कर लिया टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। अब आपको मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी याद होगी, ये एक नंबर है z, ये दूसरा नंबर है z2, ये तीसरा नंबर है z3 और ये चौथा नंबर है z4। हमने पढ़ा था z1 into z2 into z3 into z4, चाहे जितने मर्जी z ले लो, अगर सबका मॉड्यूलस निकालना है तो किसके इक्वल आएगा? सबके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के इक्वल। इसमें तो आप जितने मर्जी मॉड्यूलस ले लो, जितने मर्जी जेड ले लो,
अगर सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो सबका मॉड्यूलस इज देयर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉड्यूलस। चलो जी ले लेते हैं, अगर मैं इसका मॉड ले रही हूं तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, यही तो है a प्लस आयोटा b का इंडिविजुअल मॉड, c प्लस आयोटा d का अलग से मॉड, p प्लस आयोटा f का अलग से मॉड एंड g प्लस आयोटा h का भी अलग से मॉड, और a प्लस b का आयोटा b का मॉड तो है ही है। चलिए a प्लस आयोटा b का मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर क्या ये सही लिखा है? नहीं जी, इसमें रूट भी लगेगा अभी तो। ठीक है जी, रूट भी आ गया। अब रूट चाहिए मेरे को या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं सबका स्क्वायर ले लूं तो इसके स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? हाँ जी, सबका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट रहेंगे या स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे? हाँ जी, स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएंगे। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट था, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट था, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी अंडर रूट था। सबका मैंने स्क्वायर ले लिया और इधर भी यही हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेते ही सबके रूट खत्म हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मॉड्यूलस लिया, मॉड्यूलस सबका लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड का मॉड्यूलस, चाहे आपके पास 50 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, अगर आपने पूरा सबका कॉम्प्लेक्स नंबर सबका मॉड लिया है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉड्स। आपने मॉड लेने के बाद मॉड की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल वही है, m की वैल्यू निकालनी है, पर m तो बाहर है ब्रैकेट के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को तो सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंप्लीफाई कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, ये बन जाएगा प्लस 1, एम इज इक्वल्स टू 1, ये बन गया आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2i अपॉन 2 रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1, 2i अपॉन 2 i रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। i कितने की पावर 4 होती है, i को मैं कितना पावर करूं कि सॉरी i को मैं कितना पावर करूं कि आंसर 1 आ जाए, i की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, और 4 जो है ये पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ m भी है। मेरे से ये पूछा था फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज 4, i इज इक्वल्स m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। क्लियर है जी यहां तक? अब आप अपने सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैलकुलेशन लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। थैंक यू।